हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपको एक टूल, एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो कि काफ़ी यूज़फुल है एक वेब डिज़ाइनर के लिए। तो मैं जाता हूं गूगल पे और गूगल पे जाके मैं यहां पे टाइप करता हूं कलर कॉप। ठीक है, कलर कॉप को आपको डाउनलोड करना है। ये एक सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़फुल आपके लिए साबित हो सकता है, मैं तो इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो कलर कॉप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कलर को पकड़ता है। ठीक है, मतलब कलर का जो HTML कोड होता है, हेक्साडेसिमल जो कोड होता है, वो हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको डाउनलोड कर दिया और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का कलर आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे इसमें ये एक पेन दिया हुआ है, ये पेन आपको ले जाना है। जैसे मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट में इस कलर को अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इसका कोड पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सपोज़ मैंने, मेरा ये HTML का डॉक्यूमेंट है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है, तो मैंने HTML:5 लिखा और कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया, तो ये मेरा HTML का डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसमें सपोज़ मुझे, मैंने यहाँ पे div बनाया, DIV, कंट्रोल ई। अब इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, तो इसमें एक तो मैंने कुछ बॉर्डर बना लिया। हाँ, इसको मैं हाइट और विड्थ देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू हाइट कॉलन 100 पिक्सल। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ टाइप कर दिया, हेलो। ठीक है, अब मैं इसके बैकग्राउंड में कलर अगर लगाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा स्टाइल, सॉरी स्टाइल तो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कॉलन ब्लू। ठीक है, एक तो आप कलर जो देते हो बैकग्राउंड वगैरह में, कलर जो यूज़ करते हो, तो वो कलर का नाम आप देते हो या तो फिर हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, अब इसको अगर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको लॉन्च कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर आ रहा है इसमें। बट ये मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे, मैंने किसी वेबसाइट में देखा, किसी भी जगह पे मुझे कोई कलर दिखा, सपोज़ ये जो कलर आ रहा है ग्रीन टाइप का, इसका कलर कोड मुझे पता करना है। ठीक है, तो ऐसा कैसे मैं पता कर पाऊँगा, तो मैंने ये पेन को लिया और इस पेन को मैं यहाँ पे ले गया। ठीक है, तो मुझे इसका हेक्साडेसिमल कलर कोड यहाँ पे मिल गया। ये कलर कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अपने HTML डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे, जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना है, उसको मैंने यूज़ कर लिया, सेव किया। और अब मैंने अपने प्रोग्राम को फिर से रन किया तो आप देखेंगे वही ग्रीन कलर आ गया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये कलर हमें, इनका कोड पता नहीं चल पाता। कई सारे कलर होते हैं, जैसे ये पीछे जो ग्रे कलर आ रहा है ब्लैक टाइप का, इसका जो कोड है एग्जैक्ट, मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से ब्लैक भी नहीं है, ग्रे भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पेन को यहाँ से लूँगा और यहाँ ले जाऊँगा, तो ये इसका कोड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसको भी मैं अपने भी बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, अपने इस जो मेरा पेज है उसके बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। तो मैंने बॉडी के अंदर BG कलर यूज़ कर लिया, BG कलर इक्वल टू कलर कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, सेव किया और ब्राउज़र पे जाके मैंने रिफ़्रेश किया। तो आप देखेंगे मेरे वेबसाइट के बैकग्राउंड में भी वैसा ही कलर आ गया। ये कलर्स काफ़ी, हमें कोड सर्च करना पड़ता है गूगल पे जाके, अब एक एक कलर को देखो, उनके कोड को देखो, तो बहुत टाइम लगेगा।
बट इससे काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे गया, मुझे ये ऐसा रेड कलर चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने पेन यहाँ से लिया, मैं यहाँ पे गया तो इसका ही कलर कोड आ गया, ये तो डार्क रेड आ गया, डार्क रेड है, नॉर्मल ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कलर्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसा ब्लू कलर चाहिए आपको, तो आप यहाँ अपना पेन ले जाएंगे तो ये कलर कोड आ गया इसका, ये कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डिव के बैकग्राउंड में मैंने इसको यूज़ कर लिया, सेव किया, अपने HTML पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कलर चेंज हो गया। तो आई थिंक मेरे लिए तो काफ़ी ये यूज़फुल है, हो सकता है आपको भी ये पसंद आए, और अगर आप के लिए ये यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।